सीलिंग फैन पर वीडियो कौन बनाता है मैं बनाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि गर्मियों में चौबीसों घंटे चलने वाले सीलिंग फैन के बारे में आपको वो बातें बिल्कुल नहीं पता होंगी जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और उसके बाद जब आप बेस्ट सीलिंग फैन खरीदेंगे और आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे उससे आपके पैसों की बचत होगी तो आप भी बहुत खुश होंगे हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल वीएम वन मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट सीलिंग फैन दैट यू कैन बाय इन इंडिया इन 2022 सीलिंग फैन तो मैं बता ही दूंगा उसमें कौन सी बड़ी बात है बड़ी बात है उन पॉइंट्स में जिसे सुनने के बाद आप अपने लिए बेस्ट सीलिंग फैन तो खरीदेंगे ही बल्कि अपने पैसे भी बचाएंगे और दोस्तों जो ये पंखे आप देख रहे हैं इस स्टूडियो में रखे हुए ये किसी ब्रांड ने नहीं भेजे इन्हें हमने खुद खरीदा है इसे टेस्ट किया है यूज करने के बाद सभी पंखों की रेटिंग करी है और वो रेटिंग में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और आपको वो बेस्ट सीलिंग फैन भी बताऊंगा जो आप फिफ्टीन हंड्रेड से नीचे आज की डेट में खरीद सकते हैं सबसे पहले उन पॉइंट्स को सुनते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सीएमएम और आरपीएम के बारे में अक्सर आप पंखों के अंदर यही लिखा हुआ देखेंगे है ये आपको उस पंखे के सीएमएम से देखने पर पता चलेगा और दूसरी होती है आरपीएम यानी जो पंखे के अंदर लगी हुई मोटर है वो कितने रोटेशन पर मिनट पे घूम रही है उससे पंखे की स्पीड का आपको अंदाजा होगा इन बातों का ध्यान रखिए एक सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला है मोर वॉटेज इज इक्वल टू मोर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यानी आपके पंखे की मोटर अगर ज्यादा पावर लेती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करेगी इस ग्राफ को देखिए अगर आपका सीलिंग फैन लेट सेवेंटी फाइव वॉट की मोटर के साथ आता है तो आप उसे रोज अगर 10 घंटे तक चलाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली नाइनटी रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी वो सीलिंग फैन कंज्यूम करेगा लेकिन ये होता है हाफ स्पीड पे और अगर आप फुल स्पीड पे चलाएंगे तो वो कंज्यूम करेगा वन एट्टी की इलेक्ट्रिसिटी और अगर आप इसे एवरेज आउट करेंगे तो यही मंथली कंजम्पशन बन गई वन हंड्रेड की इलेक्ट्रिसिटी डोंट वरी जो भी सीलिंग फैंस में आपको इस वीडियो में बताऊंगा उनकी एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा 100% कॉपर वाइंडिंग की मोटर आपको क्यों लेनी चाहिए वो इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा अच्छी हीट ट्रांसफर रेट के साथ आती है और उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है एल्यूमिनियम वाइंडिंग की मोटर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती इस बात को ख्याल रखने के बाद आप एक पंखा खरीदें आपने हर जगह आज की डेट में बी जरूर सुना होगा फैंस को देखते समय आखिर यह बी होता क्या है इसे कहते हैं ब्रशलेस डीसी मोटर सिंपल टर्म्स में ये एक नॉर्मल पंखे की एसी मोटर से बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट होती है और उससे आपकी बिजली की खपत बहुत ज्यादा कम होगी एंड ये तो अच्छी बात है 90% लोग एरोडायनामिक नॉइज को पंखे की आवाज से मिस्टेक करते हैं यानी आपके पंखे की मोटर की आवाज वो नहीं होती बल्कि हवा की आवाज होती है जिसे एरोडायनामिक नॉइज कहा जाता है एक पंखे के अंदर उसके एरोडायनामिक्स, यानी उसके ब्लेड्स के एरोडायनामिक्स बहुत ज्यादा शानदार होने चाहिए तभी उसमें आवाज कम से कम आएगी जीरो आवाज वाला पंखा आज की डेट तक बना नहीं आप जितना महंगे से महंगा पंखा लेंगे वो आपको एक वादा जरूर करेंगे डस्ट फ्री कोई भी पंखे पे मिट्टी नहीं आएगी ऐसा हो ही नहीं सकता इसे मार्केटिंग गिमिक्स से ज्यादा और कुछ नहीं समझे हां थोड़ी मिट्टी कम चढ़ेगी लेकिन आपको दो हफ्ते की जगह चार हफ्ते बाद उसे क्लीन करना जरूर पड़ेगा चलिए अब मैं आपको बताता हूं बेस्ट सीलिंग फैंस 2022 के लेकिन उससे पहले आपको दो जरूरी बातें बताता हूं ये फैंस मैंने खरीदे हैं लेकिन जो भी फैंस आप आगे वीडियो में देखेंगे वो सारे इस समय स्टूडियो में अवेलेबल नहीं है दूसरी बात जितने भी फैंस मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और मेरी सीलिंग फैन की लिस्ट में भी मिलेंगे उसे जरूर डाउनलोड करिएगा उसमें आपको वो सारे पंखे मिलेंगे जो मैं रेकमेंड करता हूं और एक भी सीलिंग फैन वो नहीं होगा जिसे मैंने देखा नहीं और जिसे मैं रेकमेंड नहीं करता उस लिस्ट को जरूर चेक करिएगा अगर आपका बजट फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज से कम है और उसमें आप एक बेस्ट फैन लेना चाहते है, तो मैं आपको बताता हूं मैं बात कर रहा हूं टू हंड्रेड फाइव सी एम एम बजाज एफरो हंड्रेड परसेंट कॉपर मोटर देखने को मिलेगी और एल्यूमिनियम ब्लेड मिलेंगे ये एक हाई मोटर है और ये डबल बॉल बेरिंग वाला पंखा है इस सीलिंग फैन के जो ब्लेड्स हैं वो रिप्ड हैं जिससे इस पंखे की बहुत ज्यादा अच्छी होती है बजाज का कहना है कि ये रस्ट फ्री फिनिश के साथ आता है बेसिकली आप इसे पाउडर कोटिंग भी कह सकते हैं ये सीलिंग फैन 56 सिक्स वॉट की मोटर के साथ आता है और अगर आप इसे 12 आवर्स रोज चलाएंगे तो एक महीने में आपका बिजली का एक्सपेंस यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा वन हंड्रेड बजाज आपको देता है टू इयर्स की कॉम्प्रसिव वारंटी इस सीलिंग फैन पे और आप इसे इस समय खरीद पाएंगे थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज का लेकिन ये प्राइस आज की डेट का प्राइस है ये चेंज होते रहते हैं इसलिए आपको इसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें लेकिन एंड कॉर्न जरूर सुनिए उसके बाद जाइए एक अच्छा पंखा है अच्छी बॉडी के साथ आता है लेकिन सबसे बड़ी इसकी यूएसपी ये है कि इसके अंदर 56 सिक्स वॉट की मोटर लगी है जो कि लो पावर कंजम्पन देती है एंड इट इज अ वेरी गुड पॉइंट थोड़ा ही सही लेकिन पैसे की बचत होती है एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यह छोटे रूम के लिए बेस्ट है इसका फ्लो बड़े रूम्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है दैट इज नॉट अन फॉर यू अगर आपका छोटा रूम है लेसाउट हंड्रेड एंड ट्वेंटी स्क्वायर फीट का बेस्ट सीलिंग फैन दैट यू कैन बाई और इसके लिंक्स आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब इसे चेक करें एक और सीलिंग फैन आपको बताता हूं जो फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज के आसपास ही है और आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं मैं बात कर रहा हूं क्रॉमटन के हिल ब्रिज की जिसके अंदर आपको थ्री हंड्रेड सेवेंटी आरपीएम की मोटर मिलती है और इसकी एयर डिलीवरी रेट है टू हंड्रेड फाइव सी एम एम दैट इज वेरी वेरी गुड क्रॉमटन के इस पंखे के अंदर आपको हंड्रेड परसेंट कॉपर मोटर मिलेगी और एल्यूमिनियम बॉडी और ब्लेड्स भी मिलेंगे इस सीलिंग फैन के अंदर आपको डबल बॉल देखने को मिलती है और पाउडर कोटेड ब्लेड भी देखने को मिलेंगे विच इज अ गुड थिंग और इसकी मोटर की पावर है सेवेंटी फाइव अगर आप इस सीलिंग फैन को 12 आवर्स तक रोज चलाएंगे तो एक महीने में आपका बिजली का एक्सपेंस यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आएगा टू हंड्रेड सिक्सटीन इयर्स की कॉम्प्रेन वारंटी आपको देता है इस सीलिंग फैन पे और आप इसे इस समय खरीद पाएंगे लेकिन आपको ये चेक करना है कि इसमें और इससे पहले वाले सीलिंग फैन बजाज में क्या फर्क है और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए मैं आपको बताऊंगा ये प्रोज एंड सीलिंग फैन अच्छा है इसकी डिलीवरी रेट पेपर स्पेक्स अगर आप देखें तो बजाज की और इसकी बिल्कुल सेम है यानी एयर डिलीवरी दोनों पंखों की बिल्कुल सेम है लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा हवा देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द डिजाइन ऑफ द ब्लेड्स इसका ब्लेड का डिजाइन ज्यादा अच्छा है इसलिए एयर डिलीवरी रेट इसकी थोड़ी सी बेटर मुझे लगी अब आपको कौन बताता हूं कौन ये है कि बजाज के अंदर आपको जो पावर कंजम्शन है वो थोड़ी कम मिलेगी क्रॉमटन के मुकाबले यानी बिजली का बिल आपका थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्रॉमटन के मुकाबले अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पंखा आपको ज्यादा पसंद है लुक्स भी देखनी है और लिंक्स भी देखने हैं दोनों पंखों के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं जरूर चेक करिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्राइस में परफॉर्मेंस में और क्वालिटी में मैं बात कर रहा हूं हेवल्स के फेस्टिव फैन की जो कि 400 आरपीएम मोटर के साथ आता है और उसके अंदर आपको 238 सीएमएम का एयर डिलीवरी रेट मिलता है हेवल्स के फेस्टिव फैन के अंदर आपको 100 परसेंट कॉपर मोटर देखने को मिलेगी और डबल बॉल बेरिंग भी देखने को मिलेंगे विच इज अ वेरी गुड थिंग ये सीलिंग फैन मेटालिक पेंट फिनिश के साथ आता है यानी यह बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा किसी भी रूम में लगा हुआ और इसकी सुंदरता थोड़ी और बढ़ती है डेकोरेटिव रिंग से जो सीलिंग फैन पे लगे हैं का ऐसा मानना है कि ये डस्ट रेजिस्टेंट फैन है लेकिन मैं कहूंगा कि इसका पेंट बहुत अच्छा है मैंने आपको पहले भी समझाया था डस्ट रेजिस्टेंट या फिर डस्ट फ्री एक मार्केटिंग गिमिक से ज्यादा और कुछ नहीं हर पंखे पे मिट्टी चढ़ेगी आपको सफाई पंद्रह दिन की जगह तीस दिन में करनी पड़ेगी एंड इट फेस्टिवा फैन के अंदर आपको 74 फोर वॉट की मोटर लगी हुई मिलती है और अगर आप इसे 12 आवर्स तक हर रोज चलाएंगे तो एक महीने बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल इस फैन का आएगा 216 हंड्रेड 2500 रुपीस के अंदर आप इस सीलिंग फैन को इस समय खरीद सकते हैं और हेवल्स आपको इस पे देता है टू इयर्स की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी लेकिन पहले एंड कॉन्स की बात करें ये बहुत अच्छा पंखा है इसका डिजाइन एक बोरिंग प्लेन पंखे से ज्यादा अच्छा है प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है है लेकिन इसके अंदर आपको जो फिनिश फिनिश मिलती दैट इज वेरी 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 गुड मेटालिक एंड इट लुक्स प्रीमियम आप इस पंखे को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसका एयर थ्रो ओवरऑल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है ये जो डस्ट फ्री मैंने आपको बताया था मार्केटिंग गिमिक बस यही प्रॉब्लम है इसको आप इग्नोर करें टच फ्री को ना देखें इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें अब हम थोड़े डिजाइनर पंखों की बात करते हैं और उसमें मेरी पिक रहेगी उषा ब्लूम डेफोडिल बहुत ही सुंदर पंखा है और 380 आरपीएम की मोटर के साथ आता है। और उसमें आपको टू हंड्रेड फोर्टी सी एम एम का एयर फ्लो रेट मिलेगा उषा के सीलिंग फैन के अंदर आपको 100 परसेंट कॉपर मोटर मिलेगी और इसमें लगाया हुआ नोवल सिलेन पेंट उषा के हिसाब से इसे डस्ट रेजिस्टेंट बनाता है और उषा का तो ये भी कहना है कि ये मॉइस्चर ऑयल स्क्रेचेज और स्टेन प्रूफ है आप तो जानते ही हैं मैं क्या कहने वाला हूं इट इज अमिक थोड़ा सा फर्क पड़ता है जैसे मैंने कहा पंद्रह दिन की जगह आपको तीस दिन में साफ करना पड़ेगा अपने पंखे को दैट इज अ गुड थिंग इस सीलिंग फैन के अंदर आपको डुअल कलर डिजाइन भी देखने को मिलेगा और ये लो वोल्टेज पे बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी गुड थिंग उषा ब्लूम डेफोडिल के अंदर आपको 85 फाइव वॉट की मोटर लगी हुई मिलेगी और अगर आप इसे 12 आवर्स तक हर रोज एक महीने तक चलाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इस सीलिंग फैन से आएगा टू हंड्रेड इयर्स की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी आपको देता है इस सीलिंग फैन पे और आप इसे 2900 रुपीस का इस समय खरीद सकते हैं जो हर स्पीड पे बहुत शानदार तरीके से काम करेगा आपको हवा बहुत अच्छी मिलेगी लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो मोटर लगी है दैट इज स्लाइटली पावर हंग्री एट ए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन कंपैरिजन टू ऑल दी नॉर्मल फैंस जो मैंने इससे पहले आपको बताए लेकिन जितना भी फर्क पड़ेगा वो आपको पता तो होना ही चाहिए इसीलिए आपको बताया और डच फ्री मेरे लिए तो हमेशा से एक गिमिक रहा है अब जाइए इसके लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको सुंदर पंखा लेना है गो फॉर दिस वन अब मैं उस सीलिंग फैन की बात करता हूं जिसे पिछले एक साल से मैं अपने ऑफिस में खुद यूज कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एटमबर्ग रेनेसा की जिसके अंदर आपको 340 आरपीएम की मोटर मिलती है और 235 सीएमएम का एयर डिलीवरी रेट भी मिलता है इस सीलिंग फैन के अंदर आपको बीएलडीसी यानी ब्रशलेस डीसी मोटर लगी हुई मिलेगी 28 एट वॉट की और क्योंकि ये वॉटेज बहुत कम है एसी मोटर वाले नॉर्मल पंखों से इसलिए इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पन भी बहुत कम होगी एटमबर्ग का कहना है कि यह तीन गुना ज्यादा चलता है किसी भी इन्वर्टर बैटरी पे जो कि हमारी सबकी बहुत बेसिक जरूरत है और यह पंखा कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन होने पे भी इस सीलिंग फैन के अंदर आपको रिमोट कंट्रोल भी साथ में देखने को मिलेगा और उसमें आपको स्पीड कंट्रोल टाइमर और बूस्ट के फंक्शन देखने को मिलेंगे इस सीलिंग फैन के अंदर एक लाइट भी आती है जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगती है लेकिन ये नॉर्मल एलईडी लाइट है और इसका कोई यूज या फंक्शन नहीं है

किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आती एवरीथिंग इज गुड इट इज स्लिम इट इज मॉडर्न लुकिंग डिजाइन बहुत अच्छा लगता है लगा हुआ किसी भी जगह ऑफिस हो चाहे घर लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मुझे लगी प्रॉब्लम नहीं शायद मैं नेट पिक कर रहा हूं कि इसके अंदर जो एलईडी है वो किसी फंक्शन की नहीं है इट्स नॉट अ फंक्शनल एलईडी यानी आप सिर्फ शो ऑफ कर सकते हैं कि आपके पंखे में लाइट जली लेकिन वो लाइट जमीन तक भी नहीं पहुंचेगी दैट्स दी कॉन अदरवाइज ये दिखने में सुंदर पंखा है और अगर आपको भी अच्छा लगता है आपके घर के हिसाब से सूटेबल है इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसे जरूर चेक करें अगर के लिए आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो एटमबर्ग का ही दूसरा फैन जो मैं यूज कर रहा हूं पिछले एक साल से वो है एटमबर्ग का एफिशियो ये 3000 से नीचे का फैन है आज की रेट का प्राइस आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे चेक कर सकते हैं कोई खास कौन है नहीं इस पंखे में जरूर चेक करिए इसे बेस्ट सीलिंग फैन अकॉर्डिंग टू मी इन इंडिया इन ट्वेंटी इज ओरियंट आई टोम एंड बॉय वॉड फैन इट इज मैंने इस थोड़े दिन पहले ही इसे खरीदा है एंड आई विल टेल यू वॉट इज सो गुड अबाउट फैन के अंदर आपको थ्री हंड्रेड से मोटर मिलती है और टू हंड्रेड ट्वेंटी सी एम एम के एयर डिलीवरी रेट के साथ ये सीलिंग फैन आता है इस सीलिंग फैन के अंदर आपको बी एल डीसी ब्रशलेस डीसी मोटर देखने को मिलती है विद इनवर्टर टेक्नोलॉजी ओरियंट का मानना है कि इसमें आपको फिफ्टी परसेंट एनर्जी सेविंग मिलेगी और ये एल्यूमिनियम बॉडी के साथ आने वाला बहुत शानदार एरोडायनामिक्स वाला फैन है और मैं शानदार एरोडायनामिक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इसके ब्लेड का डिजाइन ध्यान से देखें बहुत शानदार तरीके से कर्व दिया गया है ब्लेड के डिजाइन में जिसकी वजह से जो इसका एयर थ्रो है वो बहुत ही जबरदस्त आता है इस सीलिंग फैन के साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलता है जिसमें आपको स्पीड कंट्रोल टाइमर कंट्रोल जिसमें आपको टू फोर सिक्स एंड एट एं आवर्स की ऑप्शन मिलेगी और बूस्ट की ऑप्शन भी देखने को मिलती है ये एक इन्वर्टर फ्रेंडली सीलिंग फैन है और यह लो वोल्टेज पे भी बहुत शानदार तरीके से काम करता है 28 एट वॉट की मोटर वाले इस ओरिएंट फैन को अगर आप रोज 12 आवर्स तक पूरे एक महीने भी चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आएगा इस फैन से सिर्फ एट्टी रुपीज थ्री ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी तो आपको मिलती ही है इस फैन पे लेकिन एक साथ में चीज और मिलती है विच इज ऑन साइट वारंटी विच इज अमेजिंग ऑन साइट वारंटी आज की डेट में सीलिंग फैंस में मिलना इज वन वेरी बिग थिंग आप इस सीलिंग फैन को खरीद पाएंगे थर्टी फोर हंड्रेड रुपीज का इस समय बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सीलिंग फैन ये फैन अच्छा है दिखने में सुंदर है इसका सबसे अच्छा पार्ट है इसका जो एरोडाइनामिक डिजाइन ऑफ द प्लेट एंड इसी वजह से एयर फ्लो मुझे इस फैन से बहुत ज्यादा अच्छा लगा ऑन पेपर 220 हंड्रेड होने के बावजूद दिस विल गिव यू वेरी गुड एयर फ्लो एंड दैट इज गारंटीड एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो सिर्फ ये है कि इसके अंदर आपको वैसी फैंसी एलईडी लाइट्स नहीं मिलेंगी जैसी आपको एटमबर्ग के रेनेसा में मिलती हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि वो सिर्फ शो ऑफ के लिए है आपको वो शो ऑफ इसमें नहीं मिलेगी एंड दैट्स अबाउट इट अगर आपको वो वाला लुक ज्यादा पसंद है तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं वरना आप ये ले सकते हैं विद अ डिफरेंट डिजाइन चॉइस इज कंप्लीटली योर्स लिंक्स आर माइंड जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं आप इन्हें जरूर चेक करिए तो दोस्तों ये थे सारे सीलिंग फैंस जो मैं आपको रेकमेंड करता हूं और इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और जैसे मैंने आपको बार बार बताया मेरी सीलिंग फैन लिस्ट में भी मिलेंगे प्लीज उन लिंक से लीजिएगा इस चैनल की फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मदद होगी बिना आपके प्राइस को जरा सा भी चेंज करे हुए और आपका कोई क्वेश्चन है मुझे लग रहा है आपका क्वेश्चन है लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में या फिर आ जाइए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे और डीएम करिए मुझे और मैं आपका जवाब 48 एट आवर्स के अंदर जरूर दूंगा और क्या आपने मेरा डेजर्ट कूलर और पर्सनल कूलर का वीडियो अभी तक देखा है नहीं देखा ये दो लिंक्स जरूर क्लिक करिए और इन्हें जरूर चेक करिए और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी थैंक यू वेरी मच